एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन व्हाट फैक्टर्स एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करते हैं और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर्थ पे कितना होता है या फिर दूसरा प्लैनेट पे कितना होता है वो आज हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टू क्लास सेशन आज के क्लास में हम लोग एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग का मेन टॉपिक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं एक है कैपिटल जी जो इन जनरल बहुत सारा स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं और एक होता है स्मॉल जी इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कैपिटल जी एज़ ऑलरेडी वी नो नोन एज ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ओके ये क्या है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है हर समय कांस्टेंट रहते हैं इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्र ये है इसका वैल्यू एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट ये जो वैल्यू है वो हर समय कांस्टेंट रहता है दिस इज कैपिटल जी ओके कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये कहाँ से आता है ये एक्चुअली आता है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट यानी कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये कैपिटल जी हो गया ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट अभी स्मॉल जी क्या है जो आज का मेन टॉपिक होने वाला होने वाला है इसका नाम है एक्सिलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके सो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक्सिलरेशन है ग्रेविटी के कारण जो एक्सिलरेशन आते हैं ओके okay. सपोज हम लोग एक आ, बॉल को यहाँ से ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है कुछ हाइट एच डिस्टेंस पे हम लोग एच हाइट पे एक बॉल को लेके हम लोग छोड़ दे रहे हैं तो ये बॉल किस तरफ गिरेगा ऑब्वियसली नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो ऑलवेज इंक्रीज करता रहता है ओके okay? मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा रहा हूँ वेलोसिटी इंक्रीजेस ओके okay. तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करता है एट रेट टाइम में कुछ टाइम में अगर वेलोसिटी बढ़ता रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विकॉल्ड इट एज एक्सिलरेशन ओके यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सिलरेशन किस कारण हो रहा है बिकॉज ये जो बॉल है उस बॉल को आर्थ ये जो आर्थ है यहां पे ग्राउंड है आर्थ अट्रैक्ट है अपने तरफ इट इज ऑल ड्यू टू ग्रेविटी सो यहां पे बन गया एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आ रहा है वो हम लोग बोलेंगे स्मॉल जी एलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर है यहां पे ओके <coughs> okay. यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक डिफरेंस हम लोग यहाँ पे आ, कंपेयर के लिए स्मॉल uh, जी और कैपिटल जी के बीच हम लोग रखे हैं ताकि पहले से क्लियर हो जाए कि कैपिटल जी एक एक चीज़ है और स्मॉल जी और एक चीज़ है अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक एक्सप्रेशन आते हैं कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सब सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक यहाँ पे सपोज ये आर्थ का सरफेस है ओके okay? और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है और ये सपोज आ, पूरा आर्थ है आर्थ का सेंटर ओ और इसका आर्थ का जो रेडियस है यहाँ से कैपिटल आर है ओके ऑब्जेक्ट एम है आ, मास ऑफ आर्थ कैपिटल एम है तो अभी हम लोग यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है एफ इक्वल टू कितना आएगा जी इन दोनों के बीच आर्थ और ये ऑब्जेक्ट के बीच कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड डिवाइडेड बाई दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर ये जो फोर्स निकला है ये फोर्स एक्चुअली क्या है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ ग्रेविटेशन फोर्स आया है ये फोर्स किसके समान होगा ये फोर्स हो जाएगा ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का वेट जो वेट है

कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो स्मॉल जी है स्मॉल जी किसके ऊपर कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हैं ये फैक्टर है कैपिटल जी कैपिटल एम जो कि मास ऑफात और रेडियस ऑफ़ आर्थ अभी सब कुछ यहाँ पे हम लोग को पता है वैल्यूज़ कैपिटल जी का वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्र ओके उसके बाद मास ऑफ आर्थ इक्वल टू कितना है मास आर्थ का मास सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर के जी बहुत ज़्यादा है रेडियस ऑफ आर्थ रेडियस ऑफ आर्थ है सिक्स फोर जीरो ज़ीरो किलोमीटर इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे सिक्स फोर इंटू टेन टू द पावर फाइव मीटर तो ये अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को बिठाएंगे तो ये जी का जो वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू जी का वैल्यू निकल के आता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके जो हम लोग जनरली यूज करते हैं जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया जी का वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू कहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर एट द सर्फिस एट द सर्फिस ऑफ आर्थ ये आर्थ का सर्फिस में है इसलिए हम लोग मास रेडियस हम लोग को पता है अगर ये कोई दूसरा प्लानट में हो जाता है तो अगर कोई दूसरा प्लानट में होता है तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर यहाँ पे एम हो जाएगा क्या एम हो जाएगा मास ऑफ दैट प्लानट आर हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट प्लानट Of that planet. तो हमलोग उस planet का जो acceleration due to gravity है, उसका value हमलोग निकल पाएंगे. That means ये g जो है, वो vary करता है planet to planet. Okay? G is not constant planet to planet. vary करते हैं. जैसे कि just for example moon का जो g है, g of moon is equal to one sixth times of जी आर्थ आर्थ का जो वैल्यू है उसका वन सिक्स है वन सिक्स वैल्यू है तो ये हम लोग कैसे निकाले हैं इसका एक छोटा सा डिराइवेशन है वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको दिखाएंगे तो इसमें अभी हम लोग नहीं जाते हैं ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि ये किस तरीके से आया वन सिक्स ये आप लोगों को करना है घर पे ओके तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि जी का वैल्यू कैसे आते हैं जी so ये जो है न्यूटन फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कि न्यूटन का जो फोर्स uh, है वो इक्वल टू कितना होता है वेट दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हम लोग यहाँ से इजीली जी का वैल्यू निकल पाए हैं uh, अभी हम लोग क्या करेंगे फैक्टर्स ऑन विच जी डिपेंड्स फैक्टर्स ऑन विच जी डिपेंड्स यानी कि जी का वैल्यू जो है कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन जी का वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज करता है ओके जी डिक्रीजेस विथ हाइट ओके हाइट के साथ जी का वैल्यू डिक्रीज करता जाता है जितना ऊपर हम लोग जाएंगे जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट से धीरे धीरे कम होता जाएगा क्लियर सेकेंड जी ऑल्सो डिक्रीजेस विथ डेप्थ डेप्थ के साथ जी का वैल्यू डिक्रीज करता है डेप्थ मीन्स सपोज ये आर्थ है ओके दिस इज आर्थ तो जी का वैल्यू यहां पे हो गया नाइन पॉइंट एट ऑन द सर्फेस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू जितना नीचे हम लोग पॉइंट पकड़ेंगे उतना कम होता जाएगा एंड एट द सेंटर ओके जी सेंटर पे कितना होता है सेंटर पे इक्वल टू जीरो आप लोग को याद रखना है कि जी का वैल्यू जो है सेंटर पे जीरो रहते हैं जी इज जीरो जी का वैल्यू कहां पे जीरो रहता है सेंटर पे जीरो रहता है जी का वैल्यू नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हाइट के साथ डिक्रीज करता है उसके बाद डेप्थ के साथ डेप्थ जितना हम लोग नीचे जाएंगे शेप ऑफ आर्थ आर्थ का शेप के ऊपर डिपेंड करता है हाउ वेरी क्रुशियल वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि आर्थ का शेप किस तरीके का होता है आर्थ का शेप एक्चुअली इलिप्स होता है यानी कि समथिंग लाइक दिस एलिप्सॉइड तो एलिपसाइड को अगर हम लोग एक्सिस में डिवाइड करेंगे ये एक्सिस और एक ये एक्सिस ओके दिस इज़ सेंटर ओ तो ये जो रेडियस है सपोज़ आर ए और ये है आर बी डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर बी ग्रेटर देन आर ए आर बी ग्रेटर देन आर ए रेडियस तो डिफरेंट है सेंटर से तो so, हम लोगों ने एक स्पेरिकल सर्फेस ले लिया ताकि ये एक्सप्रेशन uh, इजीली हम लोग निकाल सके बट एक्चुअल केस में क्या होता है द शेप इज इलिप्सॉइडल इलिप्सॉइडल ओके आर्थ का शेप इलिप्सॉइडल होता है तो इक्वेटर पे एक होगा एंड पोल्स पे और एक होगा अभी हम लोग को एक्सप्रेशन पता है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर ओके तो इक्वेटर पे कितना होगा जी इक्वेटर जी इक्वेटर इक्वेटर पे आ जाएगा जी एम बाई इक्वेटर का रेडियस है आर बी स्क्वायर ओके एंड जी पोल पोल पे कितना आ जाएगा जी एम बाई आर ए स्क्वायर यहाँ पे आर ए है पोल यहाँ पे होता है पोल राइट right? और इस जगह पे होता है इक्वेटर इक्वेटर होता है तो पोल पे हो जाएगा ये दोनों एक्सप्रेशन को देखिए बहुत अच्छी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेटर पे एक है पोल्स पे एक है अभी अब देखिए आर बी ग्रेटर देन आर ए आर बी का वैल्यू बड़ा है तो जी इक्वेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा छोटा हो जाएगा देन जी पोल यानी कि इक्वेटर में जो वैल्यू है वो कम है जी का वैल्यू पोल में ज्यादा है यानी कि यहाँ से हम लोग दिख पाएंगे कि जी इक्वेटर का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पोल में कितना आएगा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना ही ज़्यादा है पॉइंट टू का डिफरेंस है बट पॉइंट टू इज वेरी मच बहुत डिफरेंस है इस लेवल पे ओके okay, तो ये हो गया शेप ऑफ आर्ट के ऊपर सो so, आज का जो क्लास है उसको हम लोग फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं कौन कौन से फैक्टर के ऊपर जी हाँ, का वैल्यू डिपेंड करते हैं हाइट के साथ डेप्थ के साथ और शेप ऑफ आर्थ के साथ सिंपल डिफाइंड जगह पे डिफाइंड होता है इक्वेटर पे सबसे कम होता है पोल पे सबसे ज्यादा होता है आफ्टर दैट जी का एक्सप्रेशन किस तरीके से हम लोग निकाले हैं टू में आप लोगों को एक्सप्रेशन uh, यहाँ पे आप लोगों को डिराइव करना है सो so इसीलिए दिस फोर्स यानी कि न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू वेट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूटॉन्स न्यूटन्स फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं न्यूट्रन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन निकाले हैं जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर ओके जो अगर हम लोग मास और रेडियस ऑफ आर्थ हम लोग को पता है तो इसका वैल्यू आ जाता है नाइन पॉइंट एट मीटर परसेंट स्क्वायर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं न्यूमरिकल्स करते समय एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी कैपिटल जी क्या होता है एक कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता ऑलवेज कांस्टेंट रहता है उसका वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन इतना ही रहता है और स्मॉल जी क्या होता है जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया ये क्या है एक्चुअली वन टाइप ऑफ एक्सेलेशन याद रखना है दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सेलेशन इसलिए इसका यूनिट क्या आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यह है यूनिट ओके okay? जो एक्सेलेशन के यूनिट है और ये एक्सेलेशन क्यों आता है कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहाँ से फेंक देंगे तो ये क्या होगा इसका वेलोसिटी जितना नीचे जाएगा उतना बढ़ता जाएगा यानी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव्स राइज टू एक्सिलेशन एंड वो एक्सिलेशन किसके कारण आ रहा है बिकॉज द अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट टू इट अर्थ को पुल कर रहा है एज अ रिजल्ट ये नीचे की तरफ आ रहा है वेरी सिंपल सो आई होप ये जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्लास है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड डेफिनेटली अगर फिर भी कोई आप लोग को डाउट रहता है तो आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं सो दिस इज़ द एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेविटी पार्ट ओके सो आई होप नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में न्यू मरिकल्स को हम लोग ले कर आएँगे आप लोग ट्यून रहेगा रहेगा इस चैनल पर ताकि आप लोग अपकमिंग न्यू मरिकल्स और अपकमिंग वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों को पता चले सो थैंक यू वेरी मच